शिखंडी महाभारत की कथा का वो पात्र है जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री होता है, इस जन्म में भी वो स्त्री रूप में पैदा होता है, लेकिन युवा होकर पुरुष बन जाता है। स्त्री के रूप में जन्म लेकर शिखंडी पुरुष कैसे बना और क्यों बना, इसकी कथा इस प्रकार है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि शिखंडी कैसे बना स्त्री से पुरुष। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भीष्म पितामह ने कौन सी रहस्य के बारे में बताया था। जब कौरवों व पांडवों में युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों पक्षों की सेना कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई, तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में पूछा। तब भीष्म पितामह ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार पूर्वक दुर्योधन को बताया। साथ में ये भी बताया कि वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने इसका कारण पूछा। तब भीष्म पितामह ने बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री था, साथ ही वो इस जन्म में भी कन्या के रूप में जन्मा था, लेकिन बाद में वो पुरुष बन गया। भीष्म ने कहा कि कन्या रूप में जन्म लेने के कारण मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। शिखंडी स्त्री से पुरुष कैसे बना, ये विचित्र कथा भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताई। आइए अब जानते हैं शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा। दुर्योधन द्वारा पूछने पर भीष्म पितामह ने उसे शिखंडी के पूर्व जन्म और स्त्री से पुरुष बनने की विचित्र कथा के बारे में बताया, जो कुछ इस प्रकार है। भीष्म ने बताया कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा मेरे छोटे भाई विचित्र वीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं भरी सभा में काशी राज की तीन पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि अम्बा के मन में राजा शाल्व के प्रति प्रेम है, तो मैंने उसे ससम्मान राजा शाल्व के पास भेज दिया, परंतु राजा शाल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। अम्बा को लगा कि उस पर ये विपत्ति मेरे ही कारण आई है, इसलिए उसने मुझसे बदला लेने का संकल्प लिया। ये बात जब अम्बा के नाना राजर्षि होत्रवाहन को पता चली, तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलकर अम्बा ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें बता दी। अम्बा की बात सुनकर गुरु परशुराम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। आइए अब जानते हैं कि किस रूप में जन्म लिया था अम्बा ने। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया कि वही अम्बा इस जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी है। जब राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी, तब उसने महादेव को प्रसन्न कर पुत्र होने का वरदान मांगा। महादेव ने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का स्मरण करते हुए द्रुपद ने सभी को यही बताया कि उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए अब हमें किसी कन्या से इसका विवाह कर देना चाहिए। रानी की बात मानकर राजा द्रुपद ने दशारण राज हिरण्य वर्मा की कन्या से शिखंडी का विवाह करवा दिया। जब हिरण्य वर्मा की पुत्री को पता चला कि मेरा विवाह एक स्त्री से हुआ है, तो उसने ये बात अपने पिता को बता दी। ये बात जानकर राजा हिरण्य वर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवाया कि यदि ये बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारे कुटुम्ब व राज्य सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्य वर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। राजा हिरण्य वर्मा व अन्य राजाओं ने निश्चय किया कि यदि शिखंडी सचमुच स्त्री हुआ तो हम राजा द्रुपद को कैद कर उसके राज्य पर अधिकार कर लेंगे और बाद में द्रुपद और शिखंडी का वध कर देंगे। राजा हिरण्य वर्मा द्वारा आक्रमण करने की बात जब स्त्री रूपी शिखंडी को पता चली, तो वो बहुत घबरा गई और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन में चली गई। उस वन की रक्षा थूणा कर्ण नाम का एक यक्ष करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उससे यहाँ आने का कारण पूछा। तब शिखंडी ने उसे पूरी बात सच सच बता दी। पूरी बात जानने के बाद उस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। जब शिखंडी अपने पुरुष रूप में पांचाल नगर में रह रहा था, इसी बीच एक दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते थूणा कर्ण के पास पहुंचे, लेकिन वो यक्ष उनके अभिवादन के लिए नहीं आया। तब कुबेर ने अन्य यक्षों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने पूरी बात यक्षराज को बता दी और कहा कि इस समय थूणा कर्ण स्त्री रूप में है,
इसलिए संकोचवश वो आपके सामने नहीं आ रहा है। पूरी बात जानकर यक्षराज कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने थूणाकर्ण को श्राप दिया कि अब उसे इसी रूप में ही रहना होगा। थूणाकर्ण द्वारा क्षमा मांगने पर यक्षराज ने कहा कि शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। इधर जब शिखंडी का कार्य सिद्ध हो गया तो वो वन में थूणाकर्ण के पास पहुंचा। तब थूणाकर्ण ने शिखंडी को पूरी बात बता दी। ये जानकर शिखंडी को बहुत प्रसन्नता हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब दुर्योधन ने मरणासन अवस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था, तब महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में शिखंडी का वध कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरीके से शिखंडी बना स्त्री से पुरुष। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और भी ऐसे अनोखे, रहस्यमय और दिलचस्प कहानियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज।